hello everyone i'm your teacher for this question let me explain this question to you question says that a pregnant woman has an equal chance of her baby being blood group a or blood group ab which one of the following shows the possible genotypes of the woman and the father of her child okay option a ia ia and ibio option b is ia ib and ibio ऑप्शन सी इज़ आई ए आई ओ एंड आई बी आई ओ ऑप्शन डी इज़ आई ए आई बी एंड आई ए आई ओ ओके तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स के जीनो टाइप गिवन है और हमें वो पॉसिबल आउटकम बताना है जिससे कि जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ए बी ओके इन या इन दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी ओके okay? तो अब हम अपने जो चार हैं ऑप्शन इन चारों के जल्दी से क्रॉस करा के देख लेते हैं उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वट विल बी दी आंसर ओके सो इन ऑप्शन ए वी हैव पेरेंट दैट इज आई ए आई ए क्रॉस विद आई बी आई ओ ओके तो यहाँ पे ये है हमारा मदर का जीनोटाइप और ये है हमारा फादर का जीनोटाइप ओके okay? अब जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे दैट विल बी आई ए एंड आई ए क्रॉस विद आई बी एंड आई ओ राइट तो अब जो प्रोजेनी आएगी वो क्या आएगी दैट विल बी आई ए आई बी आई ए आई ओ सेम केस यहाँ पे होगा ओके देन वी हैव दिस आई ए एंड आई ओ तो अब यहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप आया है दिस इज ब्लड ग्रुप ए बी दिस इज ब्लड ग्रुप ए एंड राइट इट ओवर है तो जो प्रोजेनी है दिस एफ वन जनरेशन उसका जो ब्लड ग्रुप आया है वो क्या आया है दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए अगेन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ए ओके नाव लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन बी तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या बना लेते हैं गैमीट्स बना लेते हैं ओके तो क्या गैमीट्स बनेंगे उसके आई ए आई एम सॉरी दिस विल बी आई ए गैमीट एंड देन आई बी गैमिट क्या होगा पहले ये इससे होगा फर्टिलाइजेशन दट इज आई ए आई बी सो दो ब्लड ग्रुप विल बी वर्न अगेन इट विल बी आई एंड दिस अगेन अब यहाँ पे क्या आ गया आई बी आई बी दैट मीन्स वन ब्लड ग्रुप इज क्या है वन ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव राइट और बी ब्लड ग्रुप तो अब यहाँ पर जो प्रोजैनी आई है दे हैव ए बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप तीन ब्लड ग्रुप है यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी बी है ए बी एंड ए सो दिस ऑप्शन विल बी रिजेक्टेड क्लियरली नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर ऑप्शन सी और वो क्या है

अगर ये आई आईओ के साथ करेगा तो ए ब्लड ग्रुप अगर ये आई ओ विल बी फर्टिलाइज विद आई बी तो इसमें क्या हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप तो जो प्रोजेनि सी होगी उसमें क्या आएगा ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप सो दिस ऑप्शन विल बी रिजेक्टेड टू राइट सो so, हमें क्या हुआ हमने ऊपर क्रॉस कराए तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हो गया तो ऑप्शन सी का क्रॉस कराने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑप्शन डी इज़ आई ए आई बी एंड आई ए आई ओ अब ये जो हमारा ऑप्शन डी है दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू आर ऑप्शन बी कैसे विल सी दैट वी हैव दिस टू पेरेंट्स आई ए आई बी एंड ओवर है वी हैव आई ए आई ओ बस यहाँ पे जो फादर है उसका जो जीनो है उसमें आई ए है यहाँ पे आई बी था तो जो प्रोजेनी आएगी वो सेम आएगी राइट right? बस क्या होगा कि दो ए आ जाएंगे और एक बी आ जाएगा राइट तो दिस ऑप्शन विल बी रिजेक्टेड अगेन क्योंकि जो इस प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप्स आएंगे वो क्या आएंगे दैट विल बी ए बी बी टू बी ओके टू बी ब्लड ग्रुप्स आएंगे यानी कि दो बी ब्लड ग्रुप और एक ए, ओके, okay? तो अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा दैट इज ऑप्शन ए क्लियरली वी कैन सी कि जो यहाँ पे प्रोजेनी है उसमें क्या है ए बी ए ए बी ए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो भी बेबी होगा उसकी या तो ए बी ब्लड ग्रुप या ए तो उसके लिए पेरेंट का जीनोटाइप होना चाहिए आई ए आई ए एंड आई बी आई ओ ओके तो उसके लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर तो क्या है आई ए आई ए एंड आई बी आई ओ इज द करेक्ट आंसर ओके सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू